मैं पीटीआई के चाहने वालों को, खान साहब के चाहने वालों को, सपोर्टर को, पार्टी वर्कर को, लीडरों को, वकीलों को और पूरे पाकिस्तान को ये कहता हूँ, आपका खान स्ट्रांग रहे, आप भी स्ट्रांग रहे, इंशाल्लाह सब्र करे, तसल्ली रख ले। खान साहब इसी हफ्ते में, नेक्स्ट 14 अगस्त के बाद वाले हफ्ते में इंशाल्लाह ताला आपके साथ होंगे। कोर्ट ने ऑर्डर किया है फॉर एन अर्ली डेट, ये केस हमारा फिक्स होगा इंशाल्लाह ताला, 15 तारीख को हमें डेट मिल जाएगी और हमें उम्मीद है 20 से पहले पहले खान साहब वापस अपने। पिटीशन में हमारी दो किस्म की इस्तेदाएँ थी, एक तो ये कि जिस भी फैसिलिटीज में खान साहब को आप रखे, उनको एज ए फार्मर प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन पीटीआई आप उनको बेटर फैसिलिटीज दे दें, ये जेल मैनुअल के मुताबिक होता है, वो आपने बेटर फैसिलिटीज देनी है, जिसको कम सम टाइम लोग ए क्लास कहते हैं, कम टाइम बी क्लास कह देते हैं, लेकिन ये बेटर फैसिलिटीज़ का वो इंटायर है अंडर द रूल। उसमें ये इंक्लूड है कि उसको चाहें तो वो अपने मालिक से मिले, डॉक्टर से मिले, वो अपने वकीलों से मिले, वो अपने फैमिली मेम्बर से मिले, उसको एक्सेस हो और उसको थोड़ी सी सहूलतें मिले। और उसमें ये होता है कि आप उनको टीवी की भी सहूलत उसमें मैसर हो और साथ ही उसको न्यूज़पेपर की भी सहूलत हो, ये बाकी लोगों को भी हुई है और इनकी प्रॉपर नोटिफिकेशनें भी हो जाती है। दूसरी में हमने आ रहा ये कहना था कि इसका जो ऑर्डर हुआ था, जो सेशन जज साहब ने ऑर्डर कर लिया था, जो हम समझते हैं कि गैर आइनी गैर कानूनी किस्म का ऑर्डर है और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि अपील में वो ऑर्डर सेट असाइड हो जाएगा, लेकिन फिर ना वो एक कानून का एक ऑर्डर है, सेशन जज साहब का ऑर्डर है और उसके मुताबिक खान साहब को रखना था अडियाला जेल में, क्योंकि वो इस्लामाबाद की ज्यूरिसडिक्शन में, इसलिए इस अदालत से हमारी इस्तदा थी कि आप उनको डायरेक्ट करें अथॉरिटीज़ को कि वो खान साहब को वहाँ से शिफ्ट करवा के अटक से वापस अडियाला जेल लेके आ जाएं, क्योंकि अडियाला जेल में अटक से बेटर फैसिलिटीज भी मौजूद है, एक्सेस भी अवेलेबल है और वो क्लास भी अवेलेबल है जिसका खान साहब इंतजार। सर ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है चेयरमैन की जो एलिया है उनकी जन से, उनको जहर भी दी जा सकती है, उनके जाती मालिक को एक्सेस दी जाए, जबकि चीफ जस्टिस अहमद फरूक साहब ने भी ये कहा कि इस्तफार से किया कि अगर कुछ भी हुआ तो फिर जेल सुप्रिटेंडेंट इसके जिम्मेदार होंगे। आप क्या समझते हैं कि क्या ये खदशा मौजूद है जहर देने वाले का? देखो खदशा तो हमेशा रहता है और आज भी अगर उनकी फैमिली है एतराज करती है, देयर इज ऑलवेज अ रीज़न। दूसरी बात यह है कि एक बंदे के खिलाफ पहले किसी के पहले भी उसकी लाइफ पे अटैक हो चुके हैं और उस पर 180 केसेस बन चुके हैं, वो सारे सरकार ने बनवाए हो और सरकार फिर अपने वजूहात बताए बगैर एक जेल से दूसरे जेल में लेके जाते हैं और ये भी इस वजह बताए बगैर कि क्यों ना मैं फैमिली का और घर का खाना दे दूँ, तो फिर ऑब्वियसली खर्चात तो होते हैं कि अगर मुझे एक्सेस अवेलेबल नहीं है, मुझे फूड और पानी का तक एक्सेस अवेलेबल नहीं है, तो देखो ना ये कंसर्न अगर फैमिलीज की है तो मैं समझता हूँ द मिनिमम जो रिक्वायर्ड है वो अथॉरिटीज़ उनकी फैमिली को ऑन बोर्ड ले लें और उनके कंसर्न को दूर कर ले या ख़ुद उनके साथ मिलकर इकट्ठा कर ले, खाना घर से आ जाए और इनके डॉक्टर और जो भी बच्चे वो उधर ही चेक कर लें कि खाना से। सर आप चेन्नई पीटीआई को मिलने गए थे लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई, अब अदालत ने कहा कि तीन नाम आप देंगे और फिर आप जाकर उनसे मिल सकेंगे और ये हदयात भी जारी की केस पर जो है वो जल्द अज जल्द अमल दरामद भी कराया जाए। अब कोर्ट के आर्डर अगर आते हैं तो टाइम से लेट अगर चले जाते तो फिर उनके पास एक बहाना तो मौजूद होगा कि लेट आए मुकला और मुलाकात भी कराए। हाँ, ऐसे उन्होंने पहले भी करता रहा लेकिन अभी जो अदालत ने पहले अपने ऑर्डर में पॉइंट आउट करवाया था कि अदालत का जो भी हुक्म आएगा उस हुक्म में ये लिखा होगा वो 8 बजे से लेके 2 बजे तक जो स्ट्रेचेबल है तो मैक्सिमम 3 o'clock है, तो जब भी जाएं तो वो कहते हैं 8 बजे के बाद और 2 बजे से पहले आप आ जाओ ताकि हम आपकी मीटिंग करा सकें। तो हम भी कोशिश करेंगे कि उसी औकात कार में जाएं जिसमें हम ये फैसिलिटीज़ दे सकेंगे। जहां तक तीन नामों का ताल्लुक है तो मैंने जज साहब से ये एक रिक्वेस्ट की थी कि उसके खिलाफ 180 केसेज हैं, साथ ये वो केसेज हैं जो FIR में, एक जिक्र मैंने किया कि खान साहब के खिलाफ अभी एक ऑर्डर किया इलेक्शन कमीशन ने, उसके लिए भी खान साहब का पावर ऑफ अटॉर्नी और उनकी डायरेक्शन चाहिए होगी, तो कुछ ऐसे केसेज हैं जिसमें मुख्तलिफ वकला मौजूद हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि एक किस्म का वकील हर मरतबा बार बार मिले, बल्कि मुख्तलिफ वकीलों के लिए प्रोविजन हो कि दो दो तीन तीन वकला एक दिन में ज़रूर मिले और एक से ज़्यादा मरतबा हफ्ते में हम मिले ताकि ये प्रोविजन पूरी हो। सर लास्ट में ये फरमा दीजिए चेयरमैन पीटीआई के चाहने वालों को क्या कहेंगे कि चेयरमैन पीटीआई उनके दरमियान कब तक आ जाएंगे, उनका जो ये जिस केस में उनको सजा हुई है ये केस सस्पेंड कब तक हो जाएगा? मैं पीटीआई के चाहने वालों को, खान साहब के चाहने वालों को, सपोर्टर को, पार्टी वर्कर को, लीडरों को, वकीलों को और पूरे पाकिस्तान को ये कहता हूँ, आपका खान स्ट्रांग रहे, आप भी स्ट्रांग रहे, इंशाल्लाह सब्र करे, तसल्ली रख ले। खान साहब इसी हफ्ते में, नेक्स्ट 14 अगस्त के बाद वाले हफ्ते में इंशाल्लाह ताला आपके साथ होंगे। कोर्ट ने ऑर्डर किया है फॉर एन अर्ली डेट, ये केस हमारा फिक्स होगा इंशाल्लाह ताला, 15 तारीख को हमें डेट मिल जाएगी और हमें उम्मीद है 20 से पहले पहले खान साहब वापस अपने अवाम में होंगे।